बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स ऑफ एसबॉट्स 26। हम इस प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो क्या हो सकता है। आपके साथ सैंपल पेपर्स डिस्कस किए गए, एसबॉट्स 24th बैच, एसबॉट्स 25th बैच और एसबीपी इमर्जिंग वुमेन लीडर्स इनिशिएटिव बैच 1 के पेपर्स। इसके अलावा आपके साथ जो पासिंग क्राइटेरिया होता है वो भी डिस्कस किया गया था कि पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, आपका एग्रीगेट क्या होना चाहिए, आपका सेक्शन वाइज किस तरह आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो बनता है। वो सारी चीजें प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेक्शन वाइज, फर्ज क्या है, इंग्लिश का आपका पहला सेक्शन है जो 40 मार्क्स का है, उसमें आपका क्या क्या चीज आ जाएगी। उसके अलावा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल जो आपका सेक्शन है उसमें क्या चीजें हो सकती हैं। उसके अलावा जो आपका थर्ड सेक्शन है जिसमें आपका जीके, पाकिस्तान इकोनॉमी और करंट अफेयर्स को मिला के जो सेक्शन बनता है 30 मार्क्स का, तो उसमें आपका क्या क्या एक्सपेक्टेड चीजें जो है वो आ सकती हैं। आपको फोकस होके तैयारी करनी होती है, ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप बहुत अच्छी जॉब है और इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी भी रिक्वायर्ड है। तो अगर आप फोकस नहीं होंगे, आपको ये क्लियर नहीं होगा कि आपने क्या क्या तैयार करना है, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा परफॉर्म करना मुश्किल होगा। अगर लर्न विद ताहिर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। टू स्टे कनेक्टेड, आपका पहला सेक्शन इंग्लिश सेक्शन होता है और उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो होता है रीडिंग कंप्रीहेंशन का। कंप्रीहेंशन मीन अबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यानी आप को एक जो सिचुएशन दी जाती है, आप जो कुछ पढ़ रहे हैं उसको आप कितना अच्छे से समझ रहे हैं। यहाँ पे आपको एक पैसेज दे दिया जाता है और उसमें कोई सिचुएशन बयान की जाती है, वो आप पढ़कर और उसके एंड में 3 से 5 क्वेश्चंस होंगे जिनके आपको जवाब देना होगा। और ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं होता, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की है, आप कोई यूट्यूब पे रीडिंग कंप्रीहेंशन के वाले से चीजें मिल जाएंगी, वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे कुछ ट्रिक्स भी आपको बताए जाते हैं और बाकी आप मतलब कितना उससे आपने तैयारी कितनी की है तो इस हवाले से, और आप अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। और ये 3 या 5 जितने भी हैं क्वेश्चंस हैं और जितने नंबर हैं, आप पूरे के पूरे नंबर आसानी से ले सकते हैं थोड़ी सी एफर्ट कर। इसके बाद आपका वोकेबलरी के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सिनोनाइम, एंटोनाइम्स, और मोस्टली जो अभी तक देखने में आया वो तो एंटोनाइम्स ही पूछे जाते हैं, लेकिन सिनोनाइम्स भी आ सकते हैं। तो ये बेसिकली है आपकी वोकेबलरी का टेस्ट कि आपकी वोकेबलरी कितनी अच्छी है। तो एंटोनाइम्स को स्पेशली फोकस कीजिएगा, इस हवाले से तैयारी कीजिएगा। तो ये भी 5 मार्क्स का यूजुअली होता है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूट या वर्ड और फ्रेज सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन भी बाज़ुकात दे दिया जाता है। तो उसके बाद वर्ड एनालॉजी का सेक्शन होता है, ये लाजमी होता है। वर्ड एनालॉजी में आपको कोई मतलब 2 वर्ड्स दिए जाते हैं, जो 2 चीज़ें दी जाती हैं जिनमें कोई रिलेशन पाया जाता है, तो उसी तरह का आपको जो ऑप्शंस दिए होते हैं वो आपको फाइंड आउट करना होता है कि सिमिलर रिलेशनशिप कौन सी 2 चीज़ों में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो आपका दुरुस्त जवाब होता है। ये वर्ड एनालॉजी का सेक्शन, और इस पर भी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। और आपको YouTube से भी मटेरियल मिल जाएगा, आपको PDF में मटेरियल मिल जाता है। उसके अलावा वेबसाइट्स पे भी वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस दिए जाते होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप वेबसाइट, YouTube, PDF कहीं से भी आप प्रिपेयर कर लें। लेकिन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मेहनत करेंगे उतना आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। नेक्स्ट आपका एनालिटिकल रीजनिंग का सेक्शन आ जाता है जिसमें 3 टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ऑर्डरिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ग्रुपिंग क्वेश्चंस और असाइनमेंट क्वेश्चंस। ऑर्डरिंग एनालिटिकल रीजनिंग में आपको एक सेट ऑफ एलिमेंट्स दिया जाता है और कुछ कंडीशंस बयान की जाती हैं और आपको उन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए एक सीक्वेंस बनाना होता है जो कि आपसे पूछा गया होता है। फर्ज किया कि कुछ 4-5 ट्रेन्स हैं और उनका डिपार्चर टाइम दे दिया गया है और उसमें कुछ कंडीशंस दे दी गई हैं, तो आपको पूछा गया है कि आप फिर इस तरतीब से आप इनको सेट करें कि अब आपकी वो कंडीशंस भी फुलफिल हों और जो उनका स्केड्यूल है वो भी
बन जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, डिटेल में यहाँ पर मैं बयान नहीं कर सकूंगा, नेक्स्ट किसी आने वाली वीडियो में मैं एनालिटिकल रीजनिंग को डिटेल से डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आपके ग्रुपिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो ग्रुप आपके को प्लेयर्स का हो सकता है, स्टूडेंट्स का हो सकता है, टीचर्स का हो सकता है, किसी भी चीज का ग्रुप हो सकता है। तो वो एग्जामिन करके आपको क्वेश्चन से जो कंडीशंस हैं उनको फिल करते हुए आपको एक ग्रुप बनाना होता है। फर्ज किया स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, उनको कोई टास्क आपने असाइन करना है, तो उसमें फर्ज किया 5 स्टूडेंट्स दे दिए गए हैं, उनका नाम मेंशन कर दिया गया है, और अब आपने ग्रुपिंग करनी है उन कंडीशंस को फिल करते हुए जो आपको उस क्वेश्चंस में जिस पे आपको बाउंड कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका आ जाता है जी असाइनमेंट क्वेश्चंस, जिसमें आपने कोई टास्क असाइन करना होता है ग्रुप ऑफ पीपल को, और लेकिन उन कंडीशंस को फुलफिल करते हुए जो आपको क्वेश्चंस में दे दी जाती हैं। तो एनालिटिकल रीजनिंग में इंशाल्लाह अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस करते हुए वाजिया एग्जांपल्स के साथ उनको समझाने की कोशिश करूंगा। लास्ट आपका आ जाता है जी जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स और पाकिस्तान इकोनॉमी का सेक्शन 30 मार्क्स का, ये भी होता है। ये एक स्टूडेंट जो बैच 25 में था उसने ये बनाया था, बड़ा कम्प्रीहेंसिव था, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर कर दूँ। आई होप सो कि ये आपके लिए विजिबल होगा। मैं बता देता हूँ कि इसमें जनरल नॉलेज में जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, लेक्स, कैनॉल्स, डेजर्ट्स, रिवर्स, क्रॉप्स, करेंसीज, कैपिटल्स, डिस्ट्रिक्ट नेम्स, न्यू नेम्स, पार्लियामेंट्स, एयरलाइंस, न्यूज एजेंसीज, एनुअल डेज, नोबल प्राइजेज, डिस्कवरीज, रिलीजन, बैटल्स, रिकॉर्ड्स, पर्सनैलिटीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एब्रीविएशन, स्पोर्ट्स, स्टडीज, पाक हिस्ट्री, उसके अलावा पाक बेसिक फैक्ट्स, प्रोवेंसेज, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन्स, पासेज, ग्लेशियर्स, न्यूक्लियर पावर्स, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, हाईएस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, फर्स्ट इन पाकिस्तान, हिस्टोरिकल प्लेसेज, एट्रीब्यूट्स, डैम्स, बैराजेज, ओशंस, विटामिंस, इंस्ट्रूमेंट्स, कंप्यूटर बेसिक्स और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में। इसके अलावा करंट अफेयर्स में इन्होंने शामिल किया जी करंट इवेंट्स, करंट मिनिस्टर्स, करंट प्रेसिडेंट्स, पीएम्स, स्पोर्ट्स न्यूज, करंट इश्यूज, एमओयूज अपडेट, चाइना रिलेटेड न्यूज, यूएसए रिलेटेड न्यूज, आर्मी न्यूज, गवर्नमेंट न्यूज, फॉरेन न्यूज, पॉलिटिकल अपडेट्स, यूएनओ न्यूज, सार्क न्यूज, डब्ल्यूएचओ न्यूज, इकोनॉमी न्यूज, ओआईसी न्यूज, डब्ल्यूटीओ न्यूज, वर्ल्ड बैंक न्यूज, आईएमएफ न्यूज और एडीबी न्यूज। स्पेशली आप डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, स्पोर्ट्स इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल, बीपीएसएल चल रहा है इसके वाले से आप अपडेटेड होने चाहिए, कैपिटल एंड करेंसीज ऑफ कंट्रीज के वाले से आपको स्पेशली प्रिपरेशन करनी चाहिए। करंट अफेयर्स में बात करें तो आपको विजिट्स ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स टू पाकिस्तान, और जो पाकिस्तानी हेड्स ऑफ स्टेट ने फॉरेन कंट्रीज के विजिट किए हैं लास्ट 1-2 साल में, ये सारे आपको इनकी डेट्स वगैरह याद होनी चाहिए। उसके अलावा इम्पोर्टेंट जो एग्रीमेंट्स हुए हों कंट्रीज़ के दरमियान, स्पेशली जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ हो, तो वो तो लाजमी आपको तैयार करने हैं। उसके अलावा जो आपकी इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस अगर कोई हुई हैं वो आप चेक कर लेंगे। उसके अलावा डेथ ऑफ रिनाउंड पर्सनैलिटीज़, अगर कोई गुज़श्ता 1-2 साल में जो रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ की डेथ्स हुई हैं उनकी डेट्स भी आपको याद रखनी होंगी। उसके अलावा करंट चैम्पियंस ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स और करंट मतलब जो आने वाला वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप क्रिकेट, वर्ल्ड कप फुटबॉल, वर्ल्ड कप हॉकी, वो कहाँ पे होना है, कब होना है, ये सारे इवेंट्स आपको तैयार होने चाहिए। अब रह गया जी आपका पाकिस्तान इकोनॉमी, तो इस पे एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, इस साल का जो बजट था आपका और उसका पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे, उसके हवाले से वो डिटेल जो है वो अथेंटिक डिटेल उसमें दी गई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। बाद लोग यहाँ पे देख रहे हैं मेरी वीडियो पिछले साल की, वो नहीं देखनी, एक करंट वीडियो मैंने डाली है ये जून में, जून जुलाई में, तो वो वाली आपने देखनी है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल देता हूँ। तो पाकिस्तान इकोनॉमी के हवाले से बेसिकली आपने बजट जो लास्ट हमारा आया था माली साल 2023-24 का, उसको देख लेना है, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे को देख लेना है। उसके अलावा आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको रेगुलरली विजिट करना है, उस पर जो अपडेट्स आती रहती हैं स्टेट बैंक के डिफरेंट इनिशिएटिव्स जो लास्ट 2-3 सालों में आए हैं उनकी डिटेल्स आपने देख लेनी है। सर्कुलर्स वगैरह वहाँ पे दिए होते हैं, जो मेन मेन चीज़ें हैं वो आप
वहां से अपडेट्स आपको मिल जाएंगी स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से। उसके अलावा पाकिस्तान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पार्टनर्स और पाकिस्तान की लार्जेस्ट इंपोर्ट, पाकिस्तान की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप अगर मेरी वीडियो देखें तो वो चीज़ें भी आपने डिटेल से तैयार कर लेनी है, ये सारी चीज़ें। और जो करंट आपका चल रहा होता है पॉलिसी रेट, जिसको इंटरेस्ट रेट वगैरह बोलते हैं या डिस्काउंट रेट बोलते हैं, ये भी देख लेना आपने। फिलहाल तो आई थिंक के 22% ही चल रहा है। इसके अलावा जो डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, वो इंश्योरेंस के हवाले से हो, बैंकिंग सेक्टर हो और दीगर जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, तो वो भी देख लेना है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कमर्शियल बैंक के हवाले से भी कुछ टच दिया जा सकता है। करेंसी के हवाले से आपको नोट की बैक साइड पे मुख्तलिफ पिक्चर्स दी होती हैं, वो मुख्तलिफ जो डिनोमिनेशंस के नोट्स हैं उनके बैक साइड पे जो पिक्चर्स दी होती हैं, वो आप उनके हवाले से भी अपडेटेड होने चाहिए। स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो, इसमें उम्मीद है आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा और आपको तैयारी के लिए एक स्केच बन गया होगा कि क्या क्या आपने तैयार करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो प्रीवियस क्वेश्चंस आ चुके हैं वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।